दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जो है साइंस में आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में बेसिक तरीका से और बहुत ही अच्छा तरीका से इमेज सिस्टम द्वारा यानी पिक्चर के द्वारा आपको हम समझाने वाले हैं कि साइंस क्या है और साइंस में कितने शाखाएं होते हैं और कौन-कौन से। जानते ही हैं कि साइंस के तरह अगर आपको भी तरक्की करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है और उसका कितने जो है शाखाएं हैं और कौन-कौन से बातों पर बहुत ही अच्छे तरीका से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये साइंस आ गया। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। यानी साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। इसका जो है विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं बेसिक तरीका से। तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन जो है, किसी वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि कोई भी वस्तु है उसके बारे में जो है अध्ययन करते हैं और कुछ उसमें डेवलप भी करते हैं। ये सब किसके अंदर आता है? ये सब विज्ञान के अंदर आता है। नेक्स्ट है कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जैसे तीर में इधर दिख रहा होगा, आप बगल के स्क्रीन पे ही ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बगल में दिख रहा होगा साइंस तीन प्रकार के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मान लीजिए इसको जो है जीव विज्ञान, किसी को आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान यहाँ पे आ गया। और दूसरा शाखा का क्या नाम है? यहाँ पे देखेंगे रसायन विज्ञान। और तीसरा होता है आपका भौतिक विज्ञान। यानी मुख्य रूप से जो है साइंस तीन प्रकार के हो गए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन हो गए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहला जो है पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जीव विज्ञान का परिभाषा जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपको बेसिक तरीका से हम पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा ये वीडियो में पढ़ने पर, साफ लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं और एक बार में याद होना ही होना है, ठीक है? तो अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे जीव विज्ञान का परिभाषा आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है? कह रहा है कि अगर हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अगर पढ़ते हैं, उसमें नॉलेज प्राप्त करते हैं और उसको जो है अच्छा तरीका से जानते हैं, तो ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब जीव विज्ञान के अंदर आएगा, यानी जीव जंतु होना चाहिए, ठीक है? अब जो है इसका जो है एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे फोटो से, कि ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह सके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आ चुका है, फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे ये मानव कंकाल आया है, ठीक है? तो मानव कंकाल यानी जीव जब जिंदा रहेगा तब के, इसलिए इस फोटो को लगाए हैं कि आपको डरावना सा फोटो देख करके ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया मनुष्य के बारे में अध्ययन करना, यानी जंतु के बारे में, जीव जंतु। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पेड़ पौधे यानी फूल वगैरह जो भी है, यानी जिसमें जान हो यानी जीव हो, वही जो है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका से सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना और इनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कह रहा है इसमें रासायनिक विज्ञान में कि रासायनिक गुणों या संगठनों या संरचना जो बॉन्डिंग सिस्टम बना लेता है एक दूसरे से जुड़ने का, और ये सब के अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये सब रासायनिक विज्ञान के अंदर आएगा।
जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए कोई तत्व यानी केमिकल है, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट। देखिए नीचे मोमबत्ती के जैसा जल रहा है दीप, वो हीट दे रहा है। तो यहाँ पे कलर में देखिए चेंजिंग हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पीला दिखाई दे रहा है। तो ये सब यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो ये सब किसके अंदर आएगा, रासायनिक विज्ञान के अंदर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि क्या कर रहा है, बॉन्डिंग, ये जब क्या हो रहा है, जब क्रिया बन रहा है तो एक दूसरे से जुड़ाव कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, जुड़ रहा है यानी बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये सब संरचना यानी संरचना तैयार कर रहा है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब रसायन विज्ञान के अंदर आएगा। अब चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ये तीर के निशान जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप समझ जाइए कि भौतिक विज्ञान लिखा है तो इसका मतलब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी उसके भौतिक गुणों एवं ऊर्जा, जो भी ऊर्जा मिल रही है या लॉस हो रही है, ये सब के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ये भी सब विज्ञान के अंदर आता है। जिसे हम लोग एक साइड लगा दिए हैं, जिसका हम लोग जिस सब्जेक्ट का नाम रख दिए हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे रॉकेट, रॉकेट जब नीचे से उड़ रहा है तो किस कारण उड़ रहा है, इसको कितनी गति चाहिए, ये नीचे कितना भैकम क्रिएट कर रहा है, इसमें जो ये दिख रहा है ये आग के तरह नीचे के ओर आ रहा है, तो किस कारण उड़ रहा है, ये कितने की गति में चल रहा है, इस सब अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कितना बल देंगे, कितना वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो ये ऊपर के ओर जाएगा, कितना इसमें वेट है, तो ये सब अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, ये सब भौतिक विज्ञान के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग। जैसे कि यहाँ पे मशीन सारे, बहुत सारे मशीन है, ये सब मशीन के अंदर क्या प्रोसेस है, कितना आरपीएम से चल रहा है, कितना गति है, चाहे आप मोटरसाइकिल के लीजिए, कार के लीजिए, कि कितना के स्पीड से चल रहा है, ये सब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब भौतिक विज्ञान के अंदर आएगा। अगर आपका बाइक चल रहा है तो कितना स्पीड में चल रहा है, तो कितना देर में आप बेतिया, मुजफ्फरपुर, पटना सब कितने देर में आप लोग पहुंच जाएंगे, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। दोस्तों आप जो है आलम सर के द्वारा आलम एजुकेशन चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि आपको जो है 10th क्लास का फिजिक्स भी इसी के साथ क्लियर करते जाएंगे, तो आप लोग चैनल को 10th क्लास में है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में प्रकाश और ऊर्जा के बारे में, प्रकाशीय ऊर्जा के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए विदा चाहेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।